राजधानी रायपुर में बैंक घोटाले में हुए सोमवार को फिर एक नया खुलासा हुआ है। मामला मुजगान थाना के प्राइवेट बैंक का है, जहां करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े में पुलिस ने 38 लाख रुपए जब्त किए हैं। इसके साथ ही आरोपियों के खाते में जमा 98 लाख रुपए को पुलिस ने फ्रीज कर लिया है। आपको बता दें कि मामला दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 84,95,000 रुपए जब्त किए हैं। मामले में पुलिस ने अब तक 1,22,95,000 रुपए बरामद किए हैं। वहीं पुलिस की आधा दर्जन से ज़्यादा टीमें अलग अलग राज्यों में आरोपियों की तलाश कर रही हैं। बैंक के साथ 16 करोड़ रुपए की ठगी का मामला दर्ज हुआ है, उसमें लगभग 98 लाख रुपए हम लोगों ने अलग अलग खातों में होल्ड कराया है, जो कि बैंक को वापस रिवर्स हो जाएगा। इसके साथ ही लगभग 38 लाख रुपए और जब्त किया गया। इस प्रकार इस पूरे प्रकरण में 1,22,95,000 रुपए अब तक जब्त किया जा चुका है और 98 लाख रुपए की राशि अलग अलग खातों में होल्ड कराई गई है। हम लोगों ने 2 आरोपियों को हैदराबाद में गिरफ्तार किया था, जिनका आज ट्रांजिट रिमांड हम लोगों को वहाँ से मिल गया है और अगले 1-2 दिन में वो भी रायपुर।